एक्सपेक्टेड था भाई, एक्सपेक्टेड था ये सॉन्ग से, एक्सपेक्टेड था कि यही आउटकम निकल कर आने वाला है, क्योंकि वो जो रिदमलेस वो लोग पियानो कवर बजाते हैं ना, वही पे मेरे को लगा कि भाई ये कुछ अलग और कुछ नया, कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लेजेंट लगेगा सुन के। और इनका जो टेक्निक था वो रिदमलेस म्यूजिक को ऐड करने का, वो बहुत सही था, वो बहुत सही था, क्योंकि पूरे गाने में वही चीज़ सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो म्यूज़िक ही है, कि लाइक टोन बजाओ वो रिदम लेस ही बजाओ, लेकिन वो रिदम लेस भी और रिदम वाला लगे। तो भाई और एक तो वॉइस तो मतलब भाई वॉइस के बारे में बोलना क्या ही बोलना, वो सब बेकार है। बाकी लिरिक्स भी इस बार अच्छे हैं, बहुत सही लिरिक्स लगे स्टार्टिंग से लेकर पूरे एंड तक, मतलब वो मेलोडियस अपियरेंस, वो सॉन्ग का वो जो एक भाई वो फीलिंग होता है, गट फीलिंग होता है, फील के साथ पकड़ कर रखती है। और सबसे मेन चीज़ भाई बंदे का लुक भाई यार, वो बनता को मेरे को लग रहा है कि सबसे बड़ा फेकू तो मेरे को, मेरे हिसाब से तो हमारा बॉलर है वो, नाम लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो ये तो भाई ये तो अल्ट्रा लेजेंड का फेकू है, बोल रहा है कि 57-58 एजेस का, मेरे को नहीं लग रहा भाई कोई एंगल से नहीं लगता वो 57-58 का। भाई बंदे का अपियरेंस क्या लग रहा है पूरे सॉन्ग के अंदर, क्या लग रहा है, इवन नयनतारा और वो भाई ये बॉन्डिंग, ये जो केमिस्ट्री है भाई, ये भी परफेक्ट लग रही है, परफेक्ट। हाँ ये सॉन्ग का इसमें कहाँ मूवी में कहाँ यूज़ होगा वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ऐसा नहीं कि कहीं भी सॉन्ग घुसेड़ दिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मूवी बहुत सीरियस मूवी है, कोई मजाक हंसी मजाक की का कू वो सब नहीं है उसमें, वो बहुत सीरियस मूवी है जिसमें कि भाई वो पूरा का पूरा मतलब लाइक वो विलन एंटी विलन रिवेंज पूरी की पूरी वैसी टाइप की स्टोरी है, तो उसमें ये सॉन्ग को कहाँ रखेंगे वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी सॉन्ग मेरे को स्टार्टिंग से लेकर पूरे एंड तक मतलब एक बहुत ही प्लेजेंट फील दे रहा है, इसको हेडफोन में, अरिजीत सिंह के वॉइस में, शाहरुख खान के अपीयरेंस में, एंड ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि जब जब ये बंदा अरिजीत सिंह के साथ कॉम्बो करके आया है, सॉन्ग हिस्ट्री की सबसे बड़ी चार्टबस्टर सॉन्ग बनी है। तो मेरे को तो फील है, फुल फील है इस सॉन्ग के साथ कि ये सॉन्ग बनेगी, मेरे को एक गट फीलिंग आ रही है कि भाई वो मटेरियल है इसमें, कि ये मतलब रिपीटेड मोड में इसको सुन सके, इसके ऊपर रील्स बना सके, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाइक वो क्लिप्स, छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स होते हैं वो सब बना सके। तो मेरे को फुल ऑन श्योर शॉट लग रहा है ये भी उस ट्रैक रिकॉर्ड में शामिल होने वाली है, क्योंकि गेरुआ उठा लो, हवाएं उठा लो, उसके बाद वो मेरे नाम तू उठा लो, जालिमा उठा लो, दिस इज हिस्ट्री कि जब जब ये दो बंदों का कॉम्बिनेशन हुआ है सॉन्ग चार्टबस्टर हुआ है। तो मेरे को लग रहा है कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग ऑफ दिस ईयर, मेरे को कोई खामी नहीं लगी ये गाने में मेरे को, जबकि वो रिदम जो ये लोग जो रिदम लेस को रिदम में इन लोगों ने कन्वर्ट किया है वो चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगा इसका, जो पियानो टोन्स का, बाकी सब कुछ भाई अपीयरेंस का तो बात ही ना करो भाई, शाहरुख खान ने तो मतलब फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया उस बंदे ने स्क्रीन प्रेजेंस में, फाड़ दिया उसने। तो वीडियो से लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, रिएक्शन वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ।